नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फलहार नोमाड्स। भारत भ्रमण करना हमारा एक सपना था जब हमने यूके छोड़ा, और यहाँ आने के बाद हमने ब्लैक कलर की इसुजू वी क्रॉस खरीदी। कुछ जगहों पर घूमने के बाद हमने ये तय किया कि हम इसके ऊपर कैंपर बनाएंगे, और उसकी आज शुरुआत हो गई है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है कैंपर के लिए मेटल फ्रेम, और उसके ऊपर लगेगी एल्यूमिनियम चेकर्ड प्लेट जो आगे जाके आप देख पाएंगे। और कैंपर के बॉटम में जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो एक अलाइदा स्टोरेज एरिया है जिसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, और वो दोनों स्टोरेज एरिया में दो दो दरवाजे होंगे जिसकी मदद से आप सामान अंदर डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और इस वक्त फाल्गुनी जहाँ खड़ी है वहाँ पर किचन एरिया होगा, और साथ में होगा वर्कटॉप जिसकी मदद से हम कुकिंग कर पाएंगे। कैंपर के दोनों साइड के हिस्सों में खिड़कियां हैं जिनको खोलकर हम अंदर बैठ भी सकते हैं, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। कैंपर में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा है उसके बाहर की ओर स्पेयर व्हील फिक्स होगा। और स्पेयर व्हील के दाईं तरफ फार्म जैक और शोवेल रखा जाएगा, और बाईं ओर ऊपर वाले हिस्से में शावर हीटर और निचले वाले हिस्से में कोलेप्सिबल एलपीजी गैस बोतल रखने का प्रावधान होगा। और स्पेयर व्हील रखने की जगह जो आपको दिखाई उसके ऊपर आपको एक छोटी सी खिड़की दिख रही है, उस खिड़की के ऊपर हम लोग स्लाइडिंग ग्लास डालने वाले हैं जो जरूरत पड़ने पर खोली भी जा सकती है, और सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से उसको बंद भी रख सकते हैं, और ऊपर वायर मेश भी आएगा। फाल्गुनी जो खिड़की खोल रही है वहां पर बाई और हमारा 58 लीटर्स का फ्रिज आएगा, उसके बाद स्टोरेज बॉक्स और दाईं ओर केमिकल टॉयलेट बॉक्स होगा जिसको हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैंपर के दोनों तरफ दो छोटी छोटी स्टोरेज एरियाज बनाई गई है, और इन स्टोरेज एरियाज में हम लोग हमारी गाड़ी की रिकवरी गियर्स रखेंगे। इस वक्त फाल्गुनी जो आपको कैंपर के ऊपर का हिस्सा दिखा रही है वो हिस्सा लीनियर एक्चुएटर की मदद से तकरीबन 3 फीट ऊपर ले जाया जा सकता है, और इस वजह से हम अंदर आसानी से बैठ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ी देर के लिए आराम भी कर सकते हैं। कैंपर को इस वक्त आप गाड़ी के ऊपर रखा हुआ देख रहे हैं, और हमें तो ये लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था हमारा इस तरह का कैंपर बनाने का, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा दिखता है। हम दोनों ने जो सपना देखा था कि हमारा खुद का एक कैंपर हो, वो अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है, और उसी वजह से आप फाल्गुनी के चेहरे पर खुशी देख रहे हैं। और इस वक्त हम चाय के साथ हमारी खुशियां मना रहे हैं कि हमारा खुद का भी एक कैंपर होगा।
ज्यादातर कुकिंग फाल्गुनी ही करने वाली है, इसीलिए वो वर्कटॉप की ऊंचाई जांच रही है और उन्हें ये समझा रही है कि मुझे वर्कटॉप की ऊंचाई यहीं तक चाहिए ताकि वो आसानी से कुक कर सके। और तय ये हुआ कि कुकिंग टॉप की ऊंचाई कम की जाए। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर कुकिंग एरिया हो वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और इस वक्त फाल्गुनी ये तय कर रही है कि नल कहाँ होना चाहिए और कहाँ आना चाहिए। वही उनको उन लोगों को समझा रही है कि नल मुझे यहाँ पर चाहिए। फाल्गुनी ने स्टोरेज बॉक्सेस का मुआवजा किया और ये निश्चित किया कि सब ठीक ठाक है, इन स्टोरेज बॉक्स का काम अभी चालू है। कुकिंग करने में जितनी आसानी रहे उतना ही अच्छा है, और इसीलिए फाल्गुनी ये समझा रही है कि इन बॉक्सेस में उन्हें किस किस प्रकार के अटैचमेंट्स चाहिए ताकि वो अपने मसाले, सॉसेस, बर्तन वगैरह रख सके। और साथ में ये भी समझा रही है कि कहाँ उन्हें वेलक्रो चाहिए कि उस वजह से जो बोतल्स रखेंगे वो सही सलामत रहे, और चालू गाड़ी में भी मतलब वो गिर नहीं जाए या कांच की जो बोतल हो वो फूट नहीं जाए। इस तरह से हमारी कैंपर शेप ले रही है, और आगे वाले वीडियो में हम लोग आपको कैंपर जो बन रही है उसके आगे के हिस्से भी दिखाने वाले हैं, तो जरूर से इंतज़ार कीजिए, जल्द ही वो वीडियो आएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।